हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो है पोएम सर्जरी के बारे में, पर ओरल एंडोस्कोपिक मायोटोमी। अगर आपने एचएम वाली वीडियो देखी है तो उसमें बताया था कि मायोटोमी का मतलब है कट लगाना, और कट कहाँ लगता है यही बताया आपको, लोअर स्फिंक्टर। यहाँ पर ही तो फूट की जो पासेज है उसमें ही तो ब्लॉकेज है, और वो यहाँ पर है तो यहाँ पर ब्लॉकेज है, तो यहीं पर ही कट लगता है उसको। मसल को, लोअर स्फिंक्टर मसल को काट के रिलैक्स कर देते हैं तो ढीली हो जाती है, तो खाना पास होने लगता है, तो इसी का नाम मायोटोमी है। मायोटोमी दो तरीके से होती है, एक ओरल एंडोस्कोपिक वे में, और एक होता है ओरल नहीं होता, वो यहाँ पर होता है लेप्रोस्कोपिक वे में। तो वो वाला एचएम हो गया, और ये वाला ओरल ही ओरल से हो जाता है। पोएम के बाद जब आप जागेंगे, मतलब बेहोश कर देते हैं ना वो सर्जरी से पहले आपको, तो जब आप जागेंगे, आप होश में आएंगे, तो आपको यहाँ तो कुछ भी पता नहीं चलेगा। बस ये है कि आप खाना एंजॉय करेंगे, कि आप आराम से, पहले लिक्विड होगा आपका, आराम से वो पास हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो पोएम के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, और इंडिया में 2013 के बाद ही, हालांकि आई ही अभी 2008 में तो शायद ये आई थी जापान में, टोक्यो में, उसके बाद ये पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर हो गई है। इंडिया में 2013 के करीब डॉक्टर्स यहाँ से गए और बाहर से ट्रेनिंग लेकर आए इसकी स्पेशल, तो अभी यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो लोग करा रहे हैं, मेरे कुछ फ्रेंड्स ने पोएम कराई है, बढ़िया रिजल्ट आ रहे हैं। तो आइए इसको समझते हैं इमेजेस की मदद से। इसको समझने के लिए देखते हैं प्रोफेसर डॉक्टर ओरहान टारसिन को। Akalazya, yemek borusunun hareket bozukluğuyla sefalik. डॉक्टर ओरहान टारसिन इस वीडियो में पोएम सर्जरी को समझा रहे हैं, जो कि अभी मैं आपको समझा चुका हूँ। इस वीडियो की मदद से मैं आपको पोएम के 5 स्टेप समझाने की कोशिश करूँगा। ये जो इमेज आप इस टाइम देख रहे हैं, 2 स्टेप इसी में ही है। फर्स्ट है इंजेक्ट करना, और फिर इंसिजन करना। ये इंसिजन ही है जो आपको दिख रहा है। इंसिजन के बाद, इंसिजन करना मतलब एक गुफा का मुंह बनाना, और उसके बाद अभी ये 3rd स्टेप है, जो टनल बन रही है, टनल बन चुकी है। नीचे तक जो एंडोस्कोप है वो वायर नीचे तक पहुंच चुका है, जिसको काम करना है, मायोटोमी करनी है। तो टनल बन चुकी है, और टनल बनाने के बाद मायोटोमी की जाएगी। ये जो अब स्टेप अभी ये जो देख रहे हैं, नीचे ये नीचे वाला जो स्टेप है, यहीं पर ही ब्लॉकेज है। अभी ये देखिए, मायोटोमी स्टार्ट हो चुकी है। मायोटोमी का मतलब ये है कि ये जो अंदर वाली लेयर आप देख रहे हैं, जिसको भी आप देखेंगे कि क्लियर कर दिया जाएगा, यही वो लेयर है कि जिसको क्लियर कर देने के बाद, जिसको साफ कर देने के बाद, जिसको हटा देने के बाद, फूड पासेज में जो ब्लॉकेज है वो ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि इनर लेयर जो है, जो कि बहुत ज़्यादा टाइट होती है, जिसकी वजह से ब्लॉकेज रहती है, जब वही हट जाएगी, जब वही क्लियर हो जाएगी, तो फूड पास होने लग जाएगा, और वो जो टाइटनेस है स्फिंक्टर की, लोअर स्फिंक्टर की, वो रिलैक्स हो जाएगा, तो आपका फूड आराम से पास होने लग जाएगा। तो ये मायोटोमी के लिए अभी आप देखेंगे कि किस तरह भी क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये साफ कर दिया गया है उस मसल को, अंदर की जो इनर मसल है उसको क्लियर कर दिया गया है, ताकि इसोफेगस का जो लोअर स्फिंक्टर है वो रिलैक्स हो जाए। तो अभी ये 4th स्टेप हो चुका है। अब ऊपर जाकर जो वापस से जो इंसिजन किया था उन्होंने, उसको ये बंद कर देंगे। 5th स्टेप ये हो जाएगा कि यहाँ पर ये जो इंसिजन हो रहा है, 2nd स्टेप था इंजेक्ट करने के बाद, इसके बाद इसको बंद कर देंगे, बस बंद करने के बाद ख़त्म। 5 स्टेप हो गए। तो यही होती है दोस्तों पोएम। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्या है पोएम सर्जरी। पोएम सर्जरी के बारे में और ज़्यादा जो मुझे मालूम पड़ेगा वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। अगर किसी का ख्याल है पोएम कराने का, तो बेशक वो पोएम करा सकता है, रिजल्ट उसके बहुत अच्छे हैं। मेरे कुछ फ्रेंड्स ने भी पोएम करा रखी है। अगर किसी को कोई टेंशन है, बात करनी है किसी से, ऐसे बंदे से बात करनी है जिसने पोएम करा रखी है, तो कमेंट कर सकता है। तो और जो इंसान ये सोच रहा है कि मुझे कोई बाहर स्कार वगैरह नहीं चाहिए, कोई कटवट नहीं चाहिए, उसके लिए पोएम एकदम बेस्ट है। या फिर उस बंदे के लिए बेस्ट है कि जिसको डॉक्टर बोल दे, 2-3 डॉक्टर ने मिलकर बोल दिया, हाँ भाई आपके लिए, आपके केस में पोएम ही सही रहेगी, उन दो इंसानों के लिए पोएम बढ़िया है। लेकिन जिस इंसान के पास चॉइस है पोएम और एचएम की, उसके लिए मैं अभी भी कहूँगा कि एचएम ज़्यादा कॉमन है, और एचएम के रिजल्ट्स को टक्कर तो देती है पोएम, मगर मैंने तो यही देखा है कि 19-20 का फ़र्क है, तो एक नंबर पे आगे मेरी रिकमेंडेशन हमेशा ज़्यादा एचएम की ही रहेगी अभी फिलहाल तो। लेकिन पोएम सर्जरी का किसी का मन है तो बिल्कुल करा रहे, क्योंकि मेरे पास कई सारे पॉजिटिव अच्छे रिजल्ट्स हैं। 2 साल करीब हो गए हैं एक मेरी फ्रेंड को, वो बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ लोग हैं मेरे कॉन्टैक्ट में जिन्होंने पोएम कराई है, और सालों से वो बढ़िया चल रहे हैं, तो पोएम करा सकते हैं। एचएम क्यों रिकमेंड करता हूँ ज़्यादा, उसके बारे में मैंने किसी एचएम के शायद वीडियो में मैंने बता रखा है।
अचंभा से पोएम में शायद मैंने बताया कुछ स्टेप, मैंने कुछ पॉइंट्स बता रखे हैं, लेकिन पोएम के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं होना है क्योंकि पोएम बहुत बढ़िया चीज़ है। ठीक है, अगर किसी को चाहिए, दो टाइप के बंदे मैंने बताए हैं कि जिनके लिए पोएम बेस्ट है, एक डॉक्टर जिसको रिकमेंड करे और एक वो कि जिसको बाहर कुछ भी निशान वगैरह नहीं चाहिए, जैसे किसी को आर्मी में जाना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, या किसी को डर लगता है देखकर, तो इस टाइप के लोगों के लिए पोएम बढ़िया है बहुत ही। और एक चीज़ और कहनी है आपसे कि अगर आपको क्वेश्चंस वगैरह कुछ पूछने हैं आपसे, आपको मुझसे बात करनी है, तो कमेंट्स यूट्यूब में जो लोग कमेंट्स करते हैं उनके नोटिफिकेशन यूट्यूब मुझे सही से दे नहीं रहा है। कुछ के नोटिफिकेशन मुझे मिल जाते हैं लेकिन कुछ लोगों के नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं। अब इंसान परेशानी में कमेंट करता है और उसका रिप्लाई मेरी तरफ से आता है लेट, तो अच्छा नहीं लगता मुझे भी। तो इसके लिए मैंने इंस्टाग्राम पे एक अकाउंट बना दिया है एक्लेशिया इंडिया नाम से, वहाँ पर आप मुझसे बात कर सकते हैं। और इसके अलावा भी फेसबुक पर एक ग्रुप है एक्लेशिया इंडिया नाम से बनाया है, उसमें उस ग्रुप में आपको इंडियंस लोग मिलेंगे जिनको एक्लेशिया है, तो आप उस ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें और इंस्टाग्राम पर चैट के लिए उसको उससे भी कनेक्ट हो जाए उस अकाउंट से। ठीक है, और बाकी जो पोएम के बारे में, एचएम के बारे में किसी को क्वेश्चन है तो वो कमेंट यहाँ पे भी कर सकता है। ओके, थैंक यू।